हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कोण यानी एंगल। सबसे पहले हम कोण किसे कहते हैं? जब एक बिंदु पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं और उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। कोण के भेद, तो कोण के भेद इस प्रकार होते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु या सरल कोण, पुनर्युक्त कोण, पूर्ण कोण। इसे हम चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ एक बिंदु है तो एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसे हम चार बराबर खंडों में बांटें तो प्रत्येक भाग का कोण 90 डिग्री होता है। तो यदि किसी कोण का मान 0 डिग्री के बराबर है तो उसे शून्य कोण कहते हैं। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम सम कोण या लंब कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं और 180 डिग्री के कोण को, जो एक सीधी सरल रेखा होती है, उसे हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जब उसी कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है तब हम उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। और जब पूरा एक चक्कर घूमने के बाद जब फिर यह जीरो पे आ जाता है तब 360 डिग्री का कोण बनता है जिसे पूर्ण कोण कहते हैं।